दोस्तों ये वीडियो जरूर से वॉच करते जाइए अगर आप भी एक म्यूज़िकली यूज़र हैं। या दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ म्यूज़िकली का सबसे मेजर अपडेट जो अभी 2 अगस्त को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और बात करने वाला हूँ इस अपडेट से कितने ज़्यादा यूज़र अफेक्ट हुए हैं जो म्यूज़िकली यूज़ करते थे। दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़र अफेक्ट हुए हैं वो पुराने यूज़र हैं, तो ऐसे में उनका अकाउंट भी क्लोज हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करूँगा मैं म्यूज़िकली के हिस्ट्री के बारे में, और ये अपडेट जो है वो क्यों किया गया इसके बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं म्यूज़िकली के सबसे बड़े अपडेट के बारे में, तो दोस्तों अभी 2 अगस्त को म्यूज़िकली का जो ऐप है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है टिकटॉक में। जी हाँ दोस्तों, म्यूज़िकली का नाम जो है वो भी टिकटॉक हो चुका है और म्यूज़िकली का लोगो भी टिकटॉक हो चुका है। दोस्तों ऐसे में मैं आपको प्ले स्टोर पर एक बार जाके जरूर से दिखाऊंगा कि अगर आप प्ले स्टोर पर अपने म्यूज़िकली ऐप को सर्च करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो म्यूज़िकली ऐप है कम्प्लीटली ये टिकटॉक में चेंज हो चुका है। और अगर लोगों की बात करें तो दोस्तों ये लोगो भी इसका चेंज हो चुका है। दोस्तों म्यूज़िकली आप लोग जानते ही हैं काफ़ी फेमस है, ये एक सोशल नेटवर्किंग ऐप के रूप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे में दोस्तों अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें और बात करें ये चेंजेस क्यों आए, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताऊँगा कि इस चेंजेस से क्यों अफेक्ट हुए हैं पुराने यूज़र। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये जुलाई 2016 से लेकर अगस्त 2018 तक इस एप्लीकेशन ने लगभग 90 मिलियन रजिस्टर्ड क्रॉस कर लिए थे। जी हाँ दोस्तों, लगभग इस एप्लीकेशन पर 90 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र हो गए थे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दूं इस एप्लीकेशन पे लगभग 12 मिलियन न्यू वीडियोस पोस्ट हो चुकी थी एक दिन में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इसका जो हेडक्वार्टर था वो शंघाई और चाइना में था, साथ ही साथ इसका जो ऑफिस था वो कैलिफोर्निया में था। दोस्तों इस कंपनी की अगर बात की जाए तो इस कंपनी का नाम था बाई डेंस, जिस कंपनी ने इस एप्लीकेशन को स्टार्ट किया। साथ ही साथ दोस्तों इस कंपनी ने एक और एप्लीकेशन बनाया था जिसका नाम था टिकटॉक। ऐसे में दोस्तों 2 अगस्त 2018 को इस बाइटडेंस कंपनी ने कम्प्लीटली इस दोनों एप्लीकेशन को मर्ज कर दिया और साथ में दोस्तों इसका एक नया नाम दे दिया टिकटॉक। और यहाँ पे दोस्तों ये एप्लीकेशन अब आपको प्ले स्टोर पे टिकटॉक नाम से मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पुराने यूज़र हैं उन्हें क्या दिक्कत आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो पुराने यूज़र हैं म्यूज़िकली के, वो जब अपने एप्लीकेशन को ओपन करते होंगे तो दोस्तों वहाँ पर उनका म्यूज़िकली ही होगा अभी, लेकिन उन्हें करना पड़ेगा टिकटॉक के लिए एप्लीकेशन को अपडेट। तो ऐसे में मैं उन्हें एक सजेशन दूंगा कि अगर वो चाहते हैं उनका अकाउंट जो है वो बचा रहे या क्लोज ना हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोगों का अकाउंट जो है म्यूज़िकली का क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक अपडेट का ऑप्शन अपने प्ले स्टोर में जब आप ओपन करेंगे, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन को डायरेक्टली अपडेट कर लीजिए। अगर दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करेंगे तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो म्यूज़िकली की आईडी है वो कम्प्लीटली क्रैक हो जाएगी। कहने का मतलब आपकी म्यूज़िकली की आईडी जो है वो ब्लॉक हो सकती है, तो यहाँ पे आपको टिकटॉक का एक नया अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका म्यूज़िकली का ओल्ड अकाउंट ही वर्क करे, तो यहाँ पर आपको कर देना होगा डायरेक्टली प्ले स्टोर से अपडेट, और सिंपली आपका जो म्यूज़िकली का एप्लीकेशन है या टिकटॉक का जो एप्लीकेशन अपडेटेड आपको मिला है वो आप यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं आपको, आप मेरे चैनल पर नए हों या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।